58 लाख मुझे उतना समझ में आया कि इसको 58 लाख आ सकता है, एक सब्जी भाजी वाली कोई इंडस्ट्री से करोड़ आ सकता है, तो मुझे तो 18 लाख ही चाहिए। सोच के साथ डिसीजन लिया यस, और वो बिजनेस शुरू करने के लिए 5-7 हजार रुपया चाहिए था, और 5% ब्याज पे लाके बिजनेस का शुरुआत किया था नेटवर्क इंडस्ट्रीज का। मेरी जिंदगी में ये बिजनेस शुरू करने की वजह से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया जानना चाहते हो? यस। इतनी यस में बीवी को भी ना बताया था, जानना चाहते हो? यस। 18 लाख का कर्जा 12 महीना और 3 दिन में चुका है, टोटल इनकम 1,17,00,000। के दम पे आज खुद का यूनिट, खुद की 3-3 ऑफिस, अच्छी जिंदगी जीने का मौका, मर्सिडीज, BMW, अच्छी जिंदगी जीने का अगर कहीं से मौका मिला तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज से मिला, और वही इंडस्ट्रीज का आज प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए 42 गर्मी में आज आप आके बैठो, फिर भी यहाँ एसी है, टेंशन नहीं लेने का, बाहर 42 है। तो की आज खुद मर्जी है, जिस किसी ने भी इन्वाइट किया ना वो आपका शुभ चिंतक है, अगर 45 मिनट मुझे सुन लिया ना तो कसम से बोलता हूँ पैसे के लिए आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। हेल्थ और वेल्थ दो चीज होती है, इसमें पहली प्रायोरिटी हेल्थ को दी जाती है, वेल्थ को? हेल्थ या वेल्थ? पक्का? 100% मान लेते हैं, हेल्थ को ही देनी चाहिए, यस या नो? पर आज आप लोग देखो बहुत सारे लोग पहले वेल्थ को देते, पर कोरोना ने समझा दिया पहला प्रायोरिटी हेल्थ को है। यस या नो? पहले इंसान की उम्र कितना साल था? 100 साल। आज पूछे तो 60-65 है। गुजरात समाचार ने जब 60-65 छापा ना तो मैंने बोला कम से कम 75 तो लोग जीने की उम्मीद तो रहे। बचपन कितनी बार आता है? कोई बोले 1 बार, कोई बोले 2 बार, बचपन 2 बार आता है। बोली यार पहली बार सुन रहे बचपन 2 बार आता है, यस या नो? तो फोटोग्राफर भी टेंशन में आ गया, बचपन 2 बार पहला कब आता है? जब हम खेल चुके, यस या नो? दूसरा जब बेटे का बेटी या बेटी का बेटा या कोई भी हो, पोता नाना नानी, जब आप उसको लेके गार्डन में या खेलने के लिए निकलते हैं ना तो बचपन 2 बार आता है, और बचपन 2 बार जीना चाहते हो क्या? निकल का बचपन दूसरा चालू हो गया होगा, है ना? मजा आता है ना? यस या नो? आने से पहले 4 लोग उठा के लेके चलता है और 5 बार आगे लेके चलता है। तो देखो, कुदरत ने कुछ लिया है तो दिया है, धोया है, उसके बारे में आज बात करेंगे। कुदरत ने लिया है उसके सामने दिया भी है, और जो चीज दी है उसके बारे में बताते हैं। नोनी फ्रूट, बहुत सारे लोग टेंशन में आगे होंगे कि भाई नोनी फ्रूट हमने सुना नहीं, आज तक केला देखा, चीकू देखा, एम्पल देखा, सब कुछ देखा, नोनी फ्रूट देखा नहीं। ये कुदरत का अद्भुत फ्रूट है जिसके बारे में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 150 पेज लिखे, उनके लिए जोरदार ताली। जितने राष्ट्रपति थे उनमें सबसे होशियार राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, एशियन हो, जिन्होंने ये फ्रूट के बारे में 150 पेज लिखे। वर्ल्ड के 4,000 साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वर्ल्ड के 90 देश ये प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, और 90 देश में 16 देश अपना प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। ज्वालामुखी फटता है वहाँ 3.5 साल बाद अपने आप इसके पेड़ निकलते हैं जिसको बोना नहीं पड़ता, इसीलिए कुदरत का अमेजिंग गिफ्ट कहा गया है। बिना बोए अपने आप निकलता है, और लावा जब चलता है तो उसका जो राख का हैवी बल तोड़ के ऊपर आने का कोशिश करता है तो मूली जमीन में खूब नीचे चला जाता है, और मूली जमीन में नीचे जाता है तो जमीन के नीचे खनिज है, यस या नो? यस। जमीन के नीचे विटामिन है, यस या नो? यस। जमीन के नीचे प्रोटीन है, यस या नो? यस। सारा फ्रूट में आता है। आज ये नॉनी फ्रूट के अंदर 150 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल है, इसके लिए जोरदार ताली। नॉनी फ्रूट के अंदर जो औरत वैल्यू उसके बारे में बताऊंगे, तो आप लोग कोई भी आदमी बीमार रहता है तो उससे मिलने जाते हैं तो फ्रूट लेके जाते हैं या फूल? हाँ, कोई फूल लेके जाए तो पकड़ के मारे अभी जिंदा है, एशिया नो? सस्ता केला, चीकू, ये सब लेके जाते, मालूम नहीं इसमें क्या है, पर इतना मालूम है
कि पेशेंट इसको खाएगा और ठीक हो जाएगा, ये सीएम हो यही उम्मीद नहीं के साथ हम फ्रूट लेके आते हैं। केले में 700 औरक वैल्यू है, एप्पल में 3082 औरक वैल्यू है, नोनी का औरक वैल्यू जानना चाहते हो क्या? यस। नोनी का औरक वैल्यू है 3,40,000। एप्पल से 100 गुना ताकतवर है, कितना गुना? 100। एप्पल से 100 टाइम मुर्दे में भी जान डाल सकता है, इतना ताकतवर अगर कोई है तो ये नोनी फ्रूट है। और नोनी फ्रूट के अंदर जो एक बेसिक चीज है डेमना कैंथल, जिसका आयुर्वेदा में भी सुवर्ण अक्षर से लिखा गया है। डेमना कैंथल के बारे में बताए तो ये आयुर्वेदिक गुण है इसके अंदर, जो मानव बॉडी में जाता है तो कोई भी गांठ है या कोई भी ब्लॉकेज है उसको तोड़ता है। क्या करता है? कोई भी गांठ या ब्लॉकेज को तोड़ने का काम कौन करता है? डेमना। और भरपूर मात्रा में नोनी में। अब इसको पीना कैसा है? रोज सुबह आधा ग्लास गर्म पानी के अंदर इसको डालना है। किसको डालना है? नोनी को डालना है। रोज सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले, मतलब ब्रश करने से पहले गुजराती माँ जाना नैना गोठे के, यस या नो? मतलब ब्रश करने से पहले आधा ग्लास गर्म पानी लो, उसमें 2 कैप। देखो बच्चे के लिए 15 ml, बड़े के लिए कितना है? 20 ml। उसको डाल दो और चम्मच से हिला के जैसे चाय पीते हो वैसे पीना है। क्या करना है? चाय की तरह उसको पीना है। सबसे पहले जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है तो हाथ को क्लीन करके पेट के अंदर, जैसे ही जाता है हाथ को क्लीन करता है, पेट के अंदर जो कचरा है वो साफ करता है और ब्लड की साइकिल को प्रॉपर करता है। और जब ब्लड की साइकिल प्रॉपर होती है, शुद्ध होती है और सेल को मजबूत करता है। जैसे शुद्ध होती है तो उसके अंदर कितना न्यूट्रास्यूटिकल घूमेगा? 150। और औरत वैल्यू 3,40,000। साथ में डेमना कैंथल, जिसकी वजह से पहला बेनिफिट ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट अटैक सुना है या सुबह मिला था शाम को ऐसा सुना होगा, तो सबसे पहले हार्ट अटैक से बच सकते हो। और गांठ किसकी होती है? कैंसर। कैंसर की गांठ से बच सकते हो। एचआईवी के अंदर काफी बेनिफिट है, एचआईवी के अंदर भी काफी रिजल्ट मिले हुए हैं। और सबसे पहला रिजल्ट जैसे ही आप पीते हो तो पेट साफ जाएगा। आज दुनिया का 40% लोगों को पेट साफ होने का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द गड़बड़ी, तो सबसे पहले पेट साफ जाएगा। गैस, एसिडिटी, खट्टे बेकार और माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन है। इसके बाद जाते हैं सेल पे काम करता है नोनी। किस पे काम करता है? सेल पे। तो सेल पे काम करता है लो बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक डिप्रेशन, स्त्रियों का अनइवन डेट, ऐसा 200 से ज्यादा बीमारी में इसका सीधा रिजल्ट है। कितनी बीमारी में? 200। तो रिजल्ट 200 बीमारी में मिलता है तो बिजनेस बड़ा मिलेगा, यस या नो? यस। आज तक कोई डॉक्टर भूखा मरा है क्या? नो। और अमेरिका जैसा देश ने भी आयुर्वेदा को स्वीकृति दिया है, यस या नो? यस। तो हम नोनी को कैप्सूल फॉर्म में बनाते हैं, जूस फॉर्म में बनाते हैं, नोनी को ड्रॉप फॉर्म में बनाते हैं और एक वाइटल फॉर्म में बनाते हैं जो बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। वाइटल का एक ही काम है, जिसके अंदर 60% नोनी है, 40%, जिसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ज्यादातर बंदर लोग खा जाते हैं, शिलाजीत। और बंदर की कभी सांस फूलते देखी क्या? और शिलाजीत की वजह से किसी दमा का पेशेंट है जो पंप्स ले रहा है तो उसको पंप्स लेना भी छूट गया है, सेक्सुअल इम्प्रूवमेंट भी काफी मिला हुआ है। सेक्सुअल किसी को भी प्रॉब्लम है, इसके अंदर वाइटल काफी हद तक रिजल्ट दे रही है। तो वाइटल साल में 2 बॉटल पीनी बहुत जरूरी है। जैसे मानव बॉडी, गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल है, अब मैकेनिक बोलेगा ये 300 रुपये वाला, ये 400 वाला, तो हम कौन सा डरवाते? 400 वाला, क्योंकि इंजन खराब नहीं होना चाहिए। मानव बॉडी का कीमत क्या है? करोड़ों है, यस या नो? यस। खराब नहीं होने के लिए साल में अगर 2 बॉटल पी लिया, बीमार हो या नहीं हो, नोनी या वाइटल इसका यूज करो। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और कुदरत का इमेजिंग गिफ्ट है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद महिला जब बच्चा होने का फर्स्ट मंथ से लेके 9वें महीने तक, अब जब बच्चा आने की तैयारी हो तब तक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है वेरी जूस। और वेरी जूस में 14 प्रकार की बेरी इसको डाला हुआ है, ये वाइटल ड्रिंक है, जिसमें 14 प्रकार की बेरी होने की वजह से बच्चा गोरा, तंदुरुस्त और हेल्दी आता है। तो इसके लिए यूनिक प्रोडक्ट माना जाता है। इसके बाद तुलसी ड्रॉप भी 200 बीमारी में यूजफुल प्रोडक्ट है और यूनिक प्रोडक्ट माना जाता है। जैसे मटके के अंदर 2 बूंद डाल दो, पूरा बैक्टीरिया रहित पानी पी सकते हो। कोरोना काल में लोगों ने काफी इसका यूज किया, यूनिक प्रोडक्ट माना जाता है।
इसके आगे जाते तो हेल्थ प्रोडक्ट में हम लोगों ने घुटन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आज डॉक्टर बोलता है कि नी रिप्लेसमेंट कराओ, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराओ, उसके लिए हमने कैप्सूल बनाई हुई है और एक लिक्विड बनाया, खाली लगाओ 15 दिन, नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के लिए जो पेशेंट रेडी हो गए थे वो पेशेंट ने भी मना कर दिया। बहुत सारा हम लोगों ने हेल्थ प्रोडक्ट बनाया, बहुत सारा हम लोगों ने ओरल केयर प्रोडक्ट बनाया जिसमें 4 प्रकार की टूथपेस्ट ली हुई है। सबसे पहले नोनी टूथपेस्ट है, कितने लोगों ने यूज किया हुआ है, जैसा प्रोडक्ट है। और इसके बाद हमने नोनी के अलावा एक चारकोल टूथपेस्ट लॉन्च किया, और दांतों में पीलापन हो तो पहले हम लोग कोयला घिसते थे, यस या नो, और नए टेक्नोलॉजी में वो पेस्ट को लॉन्च किया, दांत में कोई भी दाग हो, और इतना यूनिक अभी इसका मार्केट बहुत जम कर रहा है चारकोल का, तो चारकोल को लॉन्च किया। इसके अलावा 4 टूथपेस्ट लॉन्च किया, 3-4 साबुन को लॉन्च किया, और कॉस्मेटिक रेंज में शैम्पू से लेके बहुत सारे शैम्पूस, बहुत सारा अभी सनस्क्रीन लोशन, ऐसा कई सारा प्रोडक्ट। सनस्क्रीन लोशन लोगों ने सर कहा है तो SPF 20 वही सनस्क्रीन लोशन है, तो सनस्क्रीन लोशन धूप नहीं लगे, बीवी खराब नहीं हो, इसके लिए इसके लिए। और इससे ऊपर एक प्रोडक्ट इमीजिएट बना रहे हम लोग, तिलक मास्क, वो ऐसा प्रोडक्ट है लिक्विड है, खाली चेहरे पे लगा दो, कितने चेहरे पे लगा दो, 5 मिनट उसको सूखने दो, कितने मिनट, 5 मिनट के बाद इसको खींच के निकाल दो, हस्बैंड भी सोच में पड़ जाएगा कि कितना खूबसूरत बन गया, इतने सोचा कर रहे हैं अभी 10-15 दिन में। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। क्लीनिंग रेंज में बाथरूम क्लीनर, जहाँ क्लीनिंग शब्द लगता है, बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, फैब्रिक क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, ऐसे कई सारे क्लीनिंग रेंज के प्रोडक्ट भी दासो लॉन्च किए। और सबसे ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताया, खेतीबाड़ी, तो खेतीबाड़ी में हम लोग ESP सोयलर बनाया जो 98% यूरिक एसिड और फुलविक एसिड है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करो, लोग यूरिया DAP डाल के जमीन को खत्म कर दिया। आज हम लोग यूनिक प्रोडक्ट लेके आए जिसको डालने की वजह से केंचुए बाहर आएंगे और एक आधुनिक पद्धति से खेती कर सकता है बंदा, जहाँ 7,000 का खर्चा लगता है केवल 750 में हो जाए तो हर किसान इसका यूज करेगा। रशिया नो खेती की भी कई सारी प्रोडक्ट है, पशुपालन की भी कई सारी प्रोडक्ट है, तो हम लोग 5 सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक सेगमेंट और लिया, मैग्नेटिक मैट्रेस, दुनिया की बहुत सारी कंपनी जिसको 11,000-6,800 में बेचती है, 100 मैग्नेट के साथ एक गद्दा बनाया जिसके ऊपर खाली सोने की वजह से, गद्दे के ऊपर सोने की वजह से जिसको नींद नहीं आती उसका प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन है, गद्दे में सोने से नींद नहीं आ रही उसका सीधा सॉल्यूशन, और 200 से ज्यादा बीमारी को कवर कर रहा है वो भी गद्दा, तो मजा रहेगा कि नहीं रहेगा। आज उसके लिए शॉर्टेज हमेशा रहती है क्योंकि 4 दिन पहले ऑर्डर देते हैं जब मिलता है, यस या नो, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका सेल है गद्दे का, मैग्नेटिक और एक वाटर बॉटल लॉन्च किया है, खाली बॉटल के ऊपर वो लगा दो बेल्ट, पानी को पूरा चार्ज करेगा। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग हेल्थ सेगमेंट में लेके आए। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट के लिए हमें दुकान लगाना नहीं है, जमाना बदल गया यशियन हो, एक कहावत है बदलो नहीं तो निकलो यशियन हो। देखो HMT घड़िया, बदला नहीं तो निकल गया यशियन हो। मर्फी रेडियो, बदला नहीं तो निकल गया, वो कोडा कैमरा 36 फोटो निकलती थी, बदला नहीं तो निकल गया, वो दूरी वाला फोन 10 बार घुमाते थे, बदला नहीं तो निकल गया, एम्बेसडर फियट, बदला नहीं तो निकल गया, तो हम भी बदलेंगे नहीं तो निकल जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ेगा पड़ेगा। यशियन हो, ऐसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से गुजराती में कहवत छे नाणा वगर नो अने पैसा आवे तो यशियन हो। देखो दुनिया का 80% तकलीफ किससे दूर होता है, आवाज नहीं आ, किससे दूर होता है, जोरदार ताली होना चाहिए। ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, ताली फ्री है यशियन हो।
प्रॉपर होता है, और जिसका ब्लड का साइकिल प्रॉपर होता है, जिसको जिंदगी में कभी अटैक आता नहीं, ब्लड का साइकिल प्रॉपर होता है, इसके चेहरे पे खुशी और सुंदरता रहती है। आप बोले सुंदरता और अटैक को क्या लेना देना, तो हिंदुस्तान में ईमानदारी से ताली कौन बजाता है? मासी लोग फटाफट बजाते। मुझे एक मासी बताओ जिसको अटैक आया क्या? नहीं। मासी को आज तक अटैक नहीं आ रहा है, तो मैं बिल भर दूंगा उसका, आज तक नहीं आया। और मासी के चेहरे सुंदरता होती है, देखे मासी के चेहरे पे ग्लो होता है कि नहीं होता? बेचारे बच्चे बस स्टैंड तक पीछे जाते हैं। नेक्स्ट जन्म 5 लाख ताली बजाने का बोला है जन्म में, आप 2.5 लाख बजाओगे तो नेक्स्ट जन्म किधर दे देगा? और फिर बोले हम मीटिंग में मिले थे वटिवा, हम लोग पहचानेंगे एक बार ईमानदारी से और बजा लेंगे। भाई भाई का झगड़ा है तो किसकी वजह से? पैसे। यस या नो? यस। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है तो किसकी वजह से? पैसे। किसकी वजह से? पैसे की वजह से। देखो बीवी को घर चलाने के लिए पैसा दिखना नहीं। जिस दिन शादी किया उस दिन कितने फेरे लिए थे? 4 या 7? 7। किसको भी याद नहीं है 4 या 7, क्योंकि वो किसको याद है? पंडित ने बोला घूम लिया। यशिया गारंटी देता हूँ याद नहीं है किसको भी। हाँ जिस दिन आप घूम रहे थे ना, उस टाइम पीछे जो अपनी बीवी बनने वाली थी वो घूम रही थी, उसने भी सपना देखा था कि मैं जिसके साथ शादी कर रही हूँ ना वो मुझे अच्छा घर दिलाएंगे, यशिया नो yes. अच्छा गाड़ी दिलाएंगे yes. अच्छा बंगलो, बच्चे का अच्छा एजुकेशन, अच्छी होटल में खाना, फ्लाइट में घूमना, और कभी कभी कोई सोने की दुकान पे ले जाके कंगन बुट्टी चैन पायल दिलाएगा, वो सपना उसने देखा था। कितने साल शादी को मुझे मालूम नहीं, किसको 10, किसको 20, किसको 30, किसको 40 मालूम नहीं है मुझे, पर आज तक आपने आपकी बीवी को ऐसे ही बोला चलो सोने की दुकान पे जाते 10-16 चाहिए तो लेने में बैठा हूँ। साहब आपको कैसे मालूम पड़ा, सोच रहे हैं ना आप लोग yes. आपको कैसे मालूम पड़ा? हम भी उसी में ही आते थे, जब 18 लाख का कर्जा था ना, तब बीवी के सामने ऐसे देखे ना तो उसको समझ में आता है मेरे को नहीं देख रहा बूटी देख रहा। नेटवर्क इंडस्ट्रीज का इतना ताकत है, जितना बेचा था ना इससे 20 गुना खरीद के दिया वो ताकत नेटवर्क। किसके लिए? भाई मुकाज आप लोगों के लिए, जिंदगी जीनी चाहते हो क्या? yes. जिस किसी ने इनवाइट किया ना उसका उंगली पकड़ लेना, जिंदगी भर पैसे के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगा, और वो तकलीफ नहीं रहेगा उसका एक ही कारण है, आज आप ये प्रेजेंटेशन में बैठे हो और ये प्रेजेंटेशन और कंपनी का परिचय कराऊं तो कंपनी का नाम है यशवीर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का फाउंडेशन 16 साल पुराना है, नोनी प्रोडक्ट 16 साल से 16 कंट्री में सप्लाई कर रहा है, कंटेनर टू कंटेनर, डॉक्टर लोग पहले से ही बेच रहे हैं बरसों से, और कंपनी को यशवीर को लॉन्च हुए आज 52 महीना हुआ, और 52 महीने में यशवीर ने जो रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड जानना चाहते हो? प्रोडक्ट बेस में आज तक इंडिया की कोई भी कंपनी ने जो रिकॉर्ड नहीं बनाया, रिकॉर्ड यशवीर ने बनाया। 7 लाख डिस्ट्रीब्यूटर को आज ज्वाइन कर लोगों में आज 9 लोग कंपनी में करोड़पति है, और 9 लोगों में पहला करोड़पति जो बना वो छेकड़ो रिक्शा चलाने वाला बंदा चटलाल एरिया से, भरत जी डाबी, जो छेकड़ो रिक्शा चलाते थे, क्या करते थे? और छेकड़ो रिक्शा चलाते चलाते 2 करोड़ रुपया क्रॉस किया, यही बिजनेस है। कितने लोगों ने भरत जी डाबी को देखा हुआ है? वेरी गुड, काफी लोगों ने देखा है। सेकंड नंबर का करोड़पति जो बना वो लालजी भाई देसाई, जिसके बारे में बताऊं तो एक टूथपेस्ट लिया और टूथपेस्ट का रिजल्ट मिलने की वजह से
उन्होंने बिजनेस प्लान को देखा और बिजनेस प्लान देखने के बाद बिजनेस का शुरुआत किया और टोटल इनकम 4.5 करोड़ रुपए। आज हर महीने का इनकम यही प्लान यही प्रेजेंटेशन की वजह से उनका है और जीरो से हीरो बने और तीसरे नंबर का करोड़पति जो बने जिसके बारे में बताऊं तो यूपी से जसियान नीलेश शर्मा जी जो बारे गए एचपी पेट्रोल पंप पे आज नहीं है ना नीलेश आज बोले जा रहा क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता हूँ होता है कब नहीं बोलता जो यूपी से आए और जिन्होंने अपना पहला करियर पानीपुरी से शुरू किया था कहाँ से पकौड़ी बनाते हैं ना भैया लोग बोलते हैं पानीपुरी से शुरू किया एचपी पेट्रोल पंप पे 8,000 पे पेट्रोल भर रहे थे और वहां से बिजनेस का शुरुआत किया आज टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस किया अगर वो पांचवी फेल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला बंदा अगर कर सकता है तो आप कर सकते हैं। बंदे के बारे में बताऊं तो 6 लाख का इनकम है वटवा में जो महंगा में महंगी स्कीम है जिसमें 1,95,00,000 रुपए का मकान है वो बुक करवाया। एक पकौड़ी से कैरियर शुरू करने वाला बंदा 1,95,00,000 का मकान ये बिजनेस से ले सकता है तो आप ले सकते हो। यस यस तीसरे नंबर का जो करोड़पति बना जिसके बारे में चौथे नंबर का जो करोड़पति है उसके बारे में बताऊं तो ऐसे 9 करोड़पति बने उसमें 4th नंबर पर मिलन परीख जो यही बटवा एरिया में ऑयल सेल करता था क्रिस्टल का दुकान गैरेज जाके 22,500 का पगार था आज शायद वो आ सकते इधर 99% आज 22,500 में जॉब करने वाला बंदा आज 1.5 करोड़ कमा सकते जो पार्ट टाइम प्लास्टिक के जो फूल आते हैं शादी में लगाते हो बनाने का फैक्ट्री वाला बंदा वो भी आज यही लेवल पे इनका इमीडिएट सीनियर है शैलेश गोस्वामी आज उन्होंने भी 1,80,00,000 को क्रॉस किया। और अब्बास सर बोलो या फरजाना मैम बोलो पहला जो है वही गिना जाता है पर फिर भी गिन लेता हूँ मैं। उनका वाइफ ने बिजनेस शुरू किया था आज खुल के बताता हूँ जसियान बता ही डालो ना आपको बड़े फ्लावर लगाए जाते हैं पर पहला फ्लावर का हक उनका बनता है क्योंकि बिजनेस का शुरुआत उन्होंने किया था जसियान ये गैरेज में काम कर रहे थे और जब लखपति बने ना महिला तब उन्होंने बिजनेस में आके बिजनेस का शुरुआत किया और दोनों ने मिलकर मेहनत किया आज दोनों ने मिलकर टोटल इनकम 1,11,00,000। पुलिस में कोई किधर है उन्हीं की टीम में सब लोग देख के काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि आज खुद का ऑफिस शानदार बनाया ऑफिस एसआई हॉल कैसे खुद का एसआई हॉल नीचे ऊपर ऑफिस इसके ऊपर 5 ऑफिस उसके ऊपर 5 ऑफिस इसके ऊपर रहने का फ्लैट मतलब सब कुछ मतलब जिंदगी में जो सोचा नहीं वो हर सपना यहाँ से और वरना का ये सब कुछ यहाँ से उन्होंने हासिल किया। माय डियर फ्रेंड भिखाजी ठाकुर ऐसे सुरेश परमार जो जी भी का लाइट बिल बनाते बनाते बिजनेस में आया था 1.5 करोड़ को क्रॉस किया अभी जो यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा है वैसा ही कड़ी में प्रेजेंटेशन चल रहा है उत्तर गुजरात लालजी भाई देसाई के एरिया में कम से कम 400 लोग है बोले सर अंदर नहीं आ सकते लोग अभी हाउसफुल हो गया 300 के हॉल में 400 भरे कितने हाउसफुल हो गया अंदर आने का जगह नहीं है बोले क्या करें मैंने बोला दरवाजा बंद कर दो और क्या कर सकते बोले लोग नाराज हो रहे हैं बोले इससे ज्यादा क्या कर सकते ऐसा भीड़ रहता है ये बिजनेस में ऐसे 9 लोग ये इंडस्ट्री से करोड़पति हुए आज 1,200 से ज्यादा लोग लखपति है जो 1,00,000 से लेके 99,00,000 कर रहा है। डॉक्टर सर का इनकम मुझे मालूम नहीं है 30-40 लाख क्रॉस होने को आया होगा कितना क्रॉस हुआ सर कितना 35 लाख 35 लाख मैं तो सर बताता हूँ मेरा जब रिटेलिंग का काम था प्रोडक्ट डॉक्टर से मिलना
मेरी कार लेके गया, पहली बार मैं डॉक्टर को मिला ना, ऐसी फटी हालत में था, मेरा कार खड़ा हुआ, वो बाहर ही खड़े थे सर, तो मैंने बोला डॉक्टर नहीं है क्या, गलती कर ली, मैं बोला डॉक्टर नहीं है, बोले मैं ही हूँ, बोला ठीक है तो गलती हो गई अंदर आओ, मतलब पहचान नहीं पाया सर, सूट बूट 33 लाख इनकम, ये बड़ा परिवर्तन है कि नहीं, ये चाहिए उनके लिए होना चाहिए। झूठ नहीं बोल सकता है, कवरेज बता रहा हूँ, ये बंदे के बारे में बताऊं तो खड़ा करता हूँ एक सेकंड के लिए, इनके मुंह से ही सुनना है और मेरे मुंह से जितना बता सकता हूँ उतना बताऊंगा। आज जब ये लोग नॉनी रिटेल सेल करते थे यशियनो, तो 2-5 हजार 10 हजार का उधार भी कभी कभी दे दिया करता था, अब उनके घर पे जब उघरानी जाओ ना, पैसा लेने तो जाना ही पड़ता है, कोई सामने से ले ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कोई इंडिया में है, जब उघरानी करने जाओ ना तो इनका स्टाइल बताऊं क्या, स्टाइल बता दो क्या, जानना चाहते हो तो मस्त आज पहली बार डेमो करता हूं। मान लो 5 हजार उघरानी है तो हम उम्मीद 2 हजार की रख सकते हैं, भैया 2 हजार तो आप देंगे, जैसे ही गाड़ी उनके घर पे जाए एकदम मुस्कुराता चेहरा, बोले कितना भी तकलीफ है मैंने देखा हुआ है, बोले साहब पैसे की बात बाद में करते, घर आओ चाय पीते, क्या करते घर आओ चाय, अब घर पे लेके जाए चाय पीने के लिए, बीवी से अंदर से आवाज आना शुरू है, तुमको पता नहीं लोगों को पकड़ के लेके आते हो बाटला 2 दिन से खत्म है, मालूम नहीं है ऐसा बीवी अंदर से बाटला सच में 2 दिन से खड़ा से, बोले हाँ तो ले पकड़ 1000 बाटला लिया। ये इंडस्ट्रीज में आने के बाद उनके मुंह से सुनना कितना कमाया, रियल में सुनना, 50 लाख से ऊपर क्रॉस है, रामेश्वर में बंगलो है, गाड़ी का नाम बोलने को नहीं आता, कौन सा गाड़ी लाएगा, वन डे एक्शन गाड़ी, मतलब समझ में आ रहा है, नहीं वन डे एक्शन कार जो सपना सोचा नहीं था, जिसके घर में बाटला नहीं हो वो आज लेवल तक 2-2.5 साल में पहुंच सकता है, तो पहुंच सकते हो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं, आज आपको उनको सुनना है, 3,500 से ज्यादा लोग आइए बिजनेस में है, 19 राज्यों में आज बिजनेस को स्प्रेड कर दिया है, 19 राज्यों में 30 से अधिक कंपनी का फ्रेंचाइजी ऑफिस है, 850 लोगों ने खुद का कार लिया हुआ है, आज ये सब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ हो सकता है, ये सीएम उनके लिए करना क्या है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, बहुत इजी है बिजनेस करना, यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री है, क्या है रजिस्ट्रेशन फ्री, तो नाम अपना डलवा दो आधार कार्ड पैन कार्ड देके तुरंत, अब मैं पूछता हूँ टूथपेस्ट नहीं करते क्या, ये मॉल से खरीदने से डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है डिस्काउंट, और हमारे उधर से खरीदने से रोज का 1,000 से 4,000 मिले तो कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, रोज का 1,000 से 4,000 हर सपना पूरा यहाँ से हो सकता है तो कहाँ से खरीदना चाहिए, मतलब आप हेल्थ प्रोडक्ट ले सकते हो, कॉस्मेटिक क्लीनिंग रेंज कुछ भी आप यहाँ से लेंगे अपना बिजनेस का शुरुआत कर सकते हो, बहुत सिंपल है बिजनेस, और बिजनेस बताने का कोशिश करूंगा जैसे ही एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ, एग्जाम्पल के साथ जसो आपका शुभ नाम क्या है, नवीन भाई के लिए जोरदार ताली, मान के चलो ये नवीन भाई है, कौन है, मैं सिंपल पूछूं नवीन भाई आप जितना पैसा देते हो उतना पैसे का कंपनी सामान दे देती है तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जीरो, जोरदार ताली, जीरो, यहाँ 4 कैटेगरी में पैसा कमाने का मौका है, पहला मौका है सिल्वर, कौन सा सिल्वर, मतलब गुजराती में शू क्या चांदी, सिल्वर जो है 250 पीवी से शुरू होता है, कितना पीवी से मैं पकड़ के रखूंगा, कितने पीवी से 250, अब लोग बोले पीवी पीवी क्या है, पीवी कोई समझ नहीं पाया कि पीवी क्या है, हर देश का करेंसी को मैच करने के लिए, क्या है, हर देश का करेंसी को मैच करने, अब